हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। तो आज मैं आपसे फिर से एक बार म्यूज़िक के बारे में फिर से बात करूंगा। आप लोगों को कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं मैं कोई म्यूज़िक की क्लास तो अटेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी म्यूज़िक की क्लास को अटेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ना। तो आज मैं वही कहने जा रहा हूँ कि म्यूज़िक का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब रीज़न क्या होता है कि एक पर्सन की जो साइकी होती है, एक इंसान की जो सोच होती है, उसको हम म्यूज़िक के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि मतलब आप एक अच्छे म्यूजिशियन तो हो सकता है ना बन पाए, हो सकता है आप एक अच्छे सिंगर ना बन पाए, लेकिन आप एक अच्छे लिसनर तो बन सकते हैं। तो इसलिए बोला करते थे पुराने जो राजा महाराजाओं के लिए बोला करते थे कि उन लोगों को सुबह सुबह रोज़ म्यूज़िक सुनना चाहिए और पूरा दिन अपने को और अपने पूरे उनकी टीम में जितने भी लोग होते थे उन सबको चार्ज रखने के लिए वो अच्छा म्यूज़िक को यूज़ करते थे। तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिया की आर्मी है या पूरे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, उनकी आर्मी के अंदर एक बैंड ज़रूर होता है। वो बैंड क्या करता है, उसके अंदर कई सारे अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे अलग अलग तरह के, कहीं ड्रम्स होता है, कहीं मतलब जैसे बैक पाइपर्स बोलते हैं वो होते हैं, ऐसे करके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। और वो सारे क्या करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स उनको चार्ज अप रखते हैं। जब वो किसी जंग को लड़ने जा रहे हैं तो वो सारे उसको चार्ज अप रखते हैं। तो ठीक है, जब भी आपको कहीं जाना है, अगर आप किसी मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जैसे आप मीटिंग देने जा रहे हैं तो उसी तरीके का म्यूज़िक आप लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है और आपकी मीटिंग के चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। आप जिस भी चीज़ को अचीव करने जा रहे हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं उसको कन्वर्ट करने के। ठीक है, तो म्यूज़िक की जो क्वालिटी होती है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम बहुत बार क्या होता है ये सोचते हैं कि यार म्यूज़िक किस तरीके का सुनना चाहिए। ठीक है, लेकिन म्यूज़िक किस तरीके का सुनने से पहले हमारे को इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि म्यूज़िक का टाइम क्या है। ठीक है, जैसी टाइमिंग होगी अगर वैसा ही म्यूज़िक उस टाइम सुना जाए तो आपको उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। और हमें अपना म्यूज़िक हमेशा केयरफुली सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक ही है जो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक बार अपने म्यूज़िक को चूज़ करने से पहले ये देख लीजिए कि आप किस तरीके का माइंडसेट चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप माइंडसेट चाहेंगे वैसे ही आपको अपना म्यूज़िक सुनना पड़ेगा। अब सुबह सुबह आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं दिमाग बड़ा सात्विक होता है, दिमाग बड़ा प्योर होता है, बड़ा शांत होता है। तो ऐसे टाइम अगर आपको कोई रॉक म्यूज़िक सुनने को मिल जाए तो कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि यार सुबह सुबह ये म्यूज़िक ना अच्छा नहीं लगता। फील करिए सुबह सुबह उठते साथ अगर आप रॉक म्यूज़िक सुन रहे तो कैसा लगेगा, मतलब अजीब लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सुबह सुबह जिम जा रहे हैं तो जिम जाते वक्त या जिम के अंदर जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम का जो रॉक म्यूज़िक होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना, तो जैसा माहौल होता है, जैसे आपका माइंड सेट होता है, उसी समय के हिसाब से हमारे को वैसा ही म्यूज़िक सुनना चाहिए। तो इसलिए सुबह सुबह का म्यूज़िक बिल्कुल सात्विक और प्योर होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता है तो हमारे म्यूज़िक की क्वालिटी भी चेंज होते रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन आपको रॉक म्यूज़िक सुनना है, या मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन आपको सात्विक और प्योर म्यूज़िक सुनना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपका दिन बढ़ता है तो आपकी एनर्जी भी बिल्ड होती है, आप चार्ज अप होते रहते हैं। तो उस टाइम आप थोड़ा सा क्या कहते हैं एंथुसियाज्म मिले आपको, ऐसे करके आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जब दोपहर का टाइम आ जाता है ना, दोपहर के टाइम पे दो तरह के लोग होते हैं। दोपहर के टाइम पे एक तरह के लोग तो वो होते हैं जो कहते हैं यार मुझे आधे घंटे का नैप चाहिए, मुझे आधे घंटे के लिए थोड़ी सी नींद चाहिए। तो ऐसे टाइम पे अगर आपका सोने का मन कर रहा है खाना खाने के बाद आधे घंटे के लिए तो आप एक सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी चाहिए तो थोड़ा सा म्यूज़िक की क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप थोड़ा जो उसका टेम्पो है उसको थोड़ा हायर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा और चार्ज अप हो जाएंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम लोगों का मन करता ही है सोने का, ये मैंने देखा है बहुत बार। ठीक है, अब देखिए जैसा मूड होता है वैसा म्यूज़िक होना चाहिए। अब सोचिए अगर हम पब में जा रहे हैं और वहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि आप मेडिटेशन वाला म्यूज़िक सुन लो तो कैसा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है अब पब में कैसा म्यूज़िक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो लाउड हो, जो आपको इनक्रेज करे डांस के लिए। ठीक है ना, तो म्यूज़िक बहुत मतलब बैकग्राउंड जो होता है उसका बड़ा ध्यान देना चाहिए म्यूज़िक सुनते हुए। अब देखा होगा कि आपने जो फिल्मों के अंदर म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं वो बैकग्राउंड का कितना ख्याल रखते हैं। सोचिए रोने धोने वाला माहौल चल रहा है और उस टाइम कोई रॉक म्यूज़िक चल जाए तो क्या होगा, यानी सोचने वाली बात है कि उस सीन की जो है ना
उस सीन की वाट लग जानी है अगर इसको इस तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, तो म्यूज़िक आपका मतलब आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको भी क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप रोमांटिक डिनर के लिए जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो वैसा ही म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्ट से गाने होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप अपनी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं तो फैक्ट्री रन करते हुए जो आपके वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आपको मतलब जोश में रखना है तो उसके लिए आपको हायर टेम्पो का मतलब एक्टिव साउंड का आपको म्यूज़िक वहाँ पे चलाना पड़ेगा। उससे क्या रहता है कि उनका दिमाग बिल्कुल लगातार काम करता रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, हर किसी को ना म्यूज़िक के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी होती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो पहली बात है, एक ईयर ऑफ म्यूज़िक हमारे पास होना चाहिए, यानी हमारे को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और सेम यही इंफॉर्मेशन हमारे को आने वाली जनरेशन को भी पास करनी है, क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम लोगों का क्वालिटी मतलब जैसे जैसे हम लोगों का मतलब समय बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि सब लोग बिजी होते जा रहे हैं और हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोग मैनेज नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेस का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो स्ट्रेस से अगर आपको बचना है ना तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। चलिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ क्या करना है। पहली बात, आपको एक अच्छे सी एल्बम का कलेक्शन कर लीजिए अपने मूड के हिसाब से। अगर आप क्या कहते हैं अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं और आपका मोबाइल के अंदर आप ऑक्स लगाते हैं, तो मतलब आपकी गाड़ी के अंदर अगर आप ऑक्स लगाते हैं तो 4-5 तरह के फोल्डर्स बना लीजिए, जिस तरह आप कहीं सुबह सुबह निकल जाते हैं किसी यात्रा वगैरह पे। तो सही है, तो आप क्या है, एक डिवोशनल का अलग से एक फोल्डर बना लीजिए डिवोशनल म्यूज़िक का। उसके बाद अपनी फैक्ट्री में अगर आप उसको चलाते हैं ऑक्स के थ्रू, तो मतलब हर तरह का आपका म्यूज़िक आपका होना चाहिए। अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो उसका अलग तरह का म्यूज़िक आपको अलग अलग फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपको। तो आपकी CD हो, MP3 हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसके अंदर म्यूज़िक की अच्छी क्वालिटी का म्यूज़िक होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स को अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सिटी के अंदर किस कोई आर्टिस्ट अगर परफॉर्म करने वाला है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अखबारों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको लेते रहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कितनी भी टेंशन में हो, बहुत बार क्या होता है इंसान जब टेंशन में होता है वो कुछ ना मतलब टप टप करके बजाना शुरू कर देता है, वो कभी मतलब अपनी टेबल को बजाना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा, आप कभी फील करके देखेगा, आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको टेंशन हो तो आप ना गिटार लेके बैठ जाइए, चाहे आपको बजानी ना आती हो, तो जब आप उसको बजाएंगे ना तो आपकी सारी की सारी टेंशन ना निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सोचिए, आपको बजाना नहीं आता तब अगर आपकी टेंशन निकाल सकता है, और अगर आपको बजाना आ जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है, आपका दिमाग कितना रिलैक्स हो जाएगा। तो हमें किसी ना किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को या वोकल सिंगिंग को सीखना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जब आपकी आने वाली जनरेशन आपको देखेंगी तो यही इन्फॉर्मेशन आगे भी पास होगी, और आगे पास होने से ये होगा कि जब भी वो लोग टेंशन में आएंगे तो वो भी अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो भी किया है तो उसको वो कॉपी पेस्ट करेंगे कि मेरे फादर भी ऐसा करते थे तो मैं भी करूँगा। तो सोचिए, आने वाली जनरेशन को आप क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। और एक चीज़ और, इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, जो ग्रेटेस्ट म्यूज़िक है वो है साइलेंट। हम लोगों को हमारी एज के हिसाब से मेडिटेशन रोज करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक्सटर्नल म्यूज़िक तो बहुत सुन लिया, लेकिन अगर आपने अपना इंटरनल म्यूज़िक यानी अपने मन के गाने को नहीं सुना, मन की आवाज़ को नहीं सुना, तो सब बेकार है। तो कहते हैं जितनी आपकी एज हो उतने ही मिनट्स आपको कम से कम मेडिटेशन तो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप 20 साल के हैं तो आपको रोज़ 20 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए, और अगर आप 50 साल के हैं तो रोज़ कम से कम 50 मिनट तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मेरी बात हो सकता है आप लोगों को समझ आई हो, और हो सकता है ये वीडियो आपको समझ आया हो, तो आप अपने आने वाले लोगों के साथ या अपनी टीम के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, बाय।